हेलो दोस्तों, आज जो हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को, ये एक बच्चे ने क्वेश्चन भेजा हुआ है, इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें दिया गया है कि वाई बराबर, आपको एक फंक्शन दिया है वाई बराबर एक्स की पावर एक्स साइन एक्स दिया हुआ है, और आपका इसको बताना है dy अपॉन dx बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए जब एक्स के फंक्शन के ऊपर फंक्शन आता है तो हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। फंक्शन को आप बेस में लाने के लिए क्या करेंगे, लॉग लेंगे। तो यहाँ हमने लिया लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर एक्स साइन एक्स हो जाएगा। ओके, एक्स साइन एक्स हो जाएगा। जब आपने ये पावर की ऊपर लगा दी है तो इसको मैंने लिया यहाँ पर, ये होगा लॉग वाई, और ये हो जाएगा आपका एक्स साइन एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा लॉग एक्स। ओके, ये हो जाएगा लॉग एक्स। चलिए देखें, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा वन अपॉन वाई, यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और इस वाले में फर्स्ट एंड सेकेंड का रूल लग जाएगा। क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड का रूल लग जाएगा। मान लीजिए कि मैं इस पूरे फंक्शन को फर्स्ट कह रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, और इस वाली वैल्यू को सेकेंड कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, तो ये हो जाएगा फर्स्ट खाली, यानी कि आप देखेंगे जैसे फर्स्ट को हम ऐसे ही छोड़ते थे, तो फर्स्ट खाली सेकंड का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। सेकंड का डिफरेंशिएशन होता है आपका, यहाँ पर लॉग एक्स है तो ये लॉग एक्स हो जाएगा, ये सेकंड है, ठीक है, तो सेकंड हो जाएगा लॉग एक्स प्लस सेकंड खाली, यानी कि लॉग एक्स खाली हो जाएगा आपका, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी वाई डी एक्स, लॉग एक्स हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स हो जाएगा। ओके, इस तरीके से कर सकते हैं। ये होगा आपका वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये होगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पर आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स साइन एक्स, और लॉग एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है वन अपॉन एक्स प्लस, यहाँ पर आप लिख सकते हैं लॉग एक्स। ओके, अब यहाँ पर फर्स्ट सेकंड रूल लगेगा, अगेन फर्स्ट खाली आपका यहाँ पर साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, प्लस साइन एक्स खाली एक्स का होगा आपका वन। ओके, इस तरीके से आप इसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। इस एक्स से ये एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, ये वैल्यू जो बचेगी वो होगी वन वाई, वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, यहाँ पर बचेगा साइन एक्स, यहाँ पर बचेगा साइन एक्स प्लस यहाँ पर हो जाएगा एक्स लॉग एक्स और कॉस एक्स। ओके, प्लस यहाँ हो जाएगा साइन एक्स लॉग एक्स। ओके, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पर हो जाएगा, और इस वाई का हो जाएगा यहाँ पर प्रोडक्ट इस पूरे फंक्शन के साथ, तो यहाँ मिलेगा साइन एक्स प्लस साइन एक्स लॉग एक्स, लॉग एक्स प्लस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप करेंगे क्या कि वाई की वैल्यू लगा देंगे। जब आप वाई की वैल्यू लगाएंगे तो वाई की वैल्यू जो आएगी वो आएगी डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई का वैल्यू है एक्स एक्स की पावर साइन एक्स, ये इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा साइन एक्स प्लस साइन एक्स लॉग एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा लॉग एक्स, तो ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है, इसी तरीके से आप यदि अगर अपने क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा अगली वीडियो में। इसी तरीके के क्वेश्चन के आंसर देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।